कौम मेरे प्यार यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए, आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह से बच्चों को नाश्ता करा लिया है, घर के सारे काम भी कर लिए हैं, अब इनको नहलाने धुलाने का काम है जो कि बहुत ज़्यादा टफ है एक माँ के लिए। ये देखें कपड़े अपने वो करके बैठे हुए हैं लेकिन नहाने नहीं जा रहे हैं। और वो देखें समीउल्ला को मैं आज दिखा दूँ, समीउल्ला का है मूड ऑफ। मैंने कह दिया कि नहाना है क्योंकि कल स्कूल जाना है, तो नीट एंड क्लीन होकर जाएँ, यूनिफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, तो बच्चों को भी साफ़ सुथरे बाल बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। चलो सैफुल्ला मेरा बेटा, आप टी वी ऑफ करो। और आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? हाँ जी मेरे व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से, अल्लाह ताला इनको खुश व आबाद रखे। दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। समीउल्लाह को मनाते हैं, इनको लेके जाती हूँ दोनों को, ये तो खुद ना आएंगे लेकिन समीउल्लाह को मुझे खुद नहलाना पड़ेगा। जाती हूँ देखती हूँ पानी गर्म हुआ है कि नहीं। तो जाते हैं किचन में, वैसे तो मैं गीज़र चलाती हूँ लेकिन अभी गीज़र का मतलब ऐसा नहीं आया कि गीज़र चलाएं और उसको बिजली को वेस्ट करें। तो हमारा जो पुराना जो डेचका है ना, आप कहते हैं काला सियाह, लेकिन ये काला सियाह नहीं है, तांबे का है, मेरी सास के टाइम का, तो हमने संभाल के रखा हुआ है। इसमें हम सिर्फ जस्ट पानी गर्म करते हैं और बच्चों के लिए पानी गर्म कर लिया है और मिक्स करती हूँ ठंडा और गर्म, और समीउल्लाह को लेकर आती हूँ, उनको खुद रगड़ रगड़ के नहलाऊँगी ताकि साफ़ सुथरे हो जाए, और उनको नहलाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। वीडियो पूरी वॉश करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी आपने। देखो दोनों खड़े साथ ही करके, चलो बस। तो बस बच्चों को नहला धुला के साफ सुथरा करके अब मैं किचन में आ गई खाना बनाने, और भी बनाते हैं, उन्होंने लेट किए हैं। अब इनकी फरमाइश है कि मम्मा हमने ना करेले खाने हैं ना ही वो दूसरी चीज़ जो आप बना रही, तो मैं कहा चलो सैफुल्ला लेकर आ गए दही बल्ले अपने लिए। सैफुल्ला आपको डाल दूँ प्याज ऊपर? नहीं, प्याज नहीं खाओगे। और भैया को ना आप चावल दे देना और आप ये दही बल्ले ले जाओ, ठीक है? मैंने अभी चाय भी बनानी है और ये खाना भी बनाना है, तो बच्चों को देते हैं खाना और बस करेले बनाना स्टार्ट करती हूँ। जी समीउल्लाह को दिखाते हैं, सैफुल्ला ने खाए दही बल्ले, अब्दुल्ला भैया ने खाए चावल, और समीउल्लाह क्या खा रहे हैं? नान, तिल वाला नान, माशाल्लाह अल्लाह नसीब करे। बस जिस दिन सब्ज़ी बन जाना है तो हमारे घर ये ज़रूर होता है कि कुछ कोई खा रहा हो तो कोई कुछ खा रहा होता है, और जो सब्ज़ी होती है वो मम्मा नाश्ते में 3 दिन तक खाती रहती हैं, और फूफो चले हर घर में यही होता होगा, बच्चे ऐसे ही करते होंगे सब्ज़ी डे वाले दिन। हाँ तो जी हमारे बच्चे खेल रहे हैं मैच, और ये देखें जी टीमें जमा हो गई हैं, सैफुल्ला चला रहे हैं साइकिल, अब ये तीनों साइकिल चलाएंगे, मैच ख़त्म हो गया, अभी खेलना है, अब साइकिल का दौर आ गया है, साइकिल ठीक हो गई, चलो सही है। तीनों चला रहे हैं साइकिल मिलकर, और यहाँ मैं गर्म कर रही हूँ खाना। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े का करेले चिकन बना, आप कहेंगे अपनी तारीफ खुद ही। यहाँ मैंने बनाया है जी रायता, रोटियाँ हमारी आ गई हैं गर्म गर्म, और बस ये देखें जी माशाल्लाह, बस खाना ले जाती हूँ, आए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। समीउल्लाह उठो मेरा बेटा, चीज़ लेने चले, स्पाइडर मैन रखो उधर, बैडमैन भी रखो पहली अलमारी में रखो, चलो फिर आके सोना भी ना, सुबह स्कूल जाना मेरा बेटा। आज मेरा बेटा बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो मम्मा की कैसे बात सुनता है, चलो चले चलो। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ार हम गए थे बच्चों के लिए चीज़ लेने गए थे और आ गए हैं,
और उम्मीद करते हैं कि जो आज का व्लॉग है, लेकिन हाँ आपने व्लॉग में लाजमी बताना है कि जो बाहर के हम डाल रहे हैं, छोटे छोटे डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बुरा लगता है कि बाहर ऐसे कैमरा हम ऑन करके बाहर की वीडियोस बनाएं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब बाहर जाऊँ तो ये कि ज़रा वीडियो में चेंज आ जाता है। लेकिन आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको बाहर की थोड़ी जो हमारी एक्टिविटी है वो कैसी लग रही है। लेकिन तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना है। और हाँ, वीडियो में मैंने एक नाम भी लेना था, अंजुम। अंजुम सिस्टर हैं, वो रहती हैं कराची में, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरा नाम लीजिए, तो मैं आपका ले रही हूँ नाम। और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा ख़ास तौर पर सबका करना है, और सिस्टर का भी करना है कि वो हर मेरी वीडियो में कमेंट्स करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे करती हैं। तो बस आज आपकी नाराज़गी दूर हो गई, आपने लाजमी कमेंट में बताना है कि मैंने आपका नाम लिया, तो आप मुझसे नाराज़ बिल्कुल भी ना होइएगा, क्योंकि आपको पता है कि सारा दिन काम 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 और व्लॉग्स बनाना तो बस मेरे जहन से निकल जाता था, तो आज मैंने ले लिया है आपका नाम, तो बस आपने बिल्कुल अब नाराज़ नहीं होना अपनी आप ही से। तो बस इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।